पश्चिम मानसून ने जून 2021 में अच्छी शुरुआत की, हालांकि उसके बाद 15 दिनों तक आसमान में अंधेरा रहा। नतीजन महाराष्ट्र में खरीफ फसल की बुवाई 5 साल पहले की तुलना में केवल 20% हुई है। चावल, मक्का, कपास, मिर्च, करेला और बैंगन आदि की फसल को खरीफ फसल कहा जाता है। महाराष्ट्र में किसान असमय और अपर्याप्त मेघराज की कृपा के कारण अपनी खरीफ फसल को लेकर चिंतित है। खरीफ की फसल की बुआई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, खासकर कंकड़ और मध्य महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्रों में। महाराष्ट्र कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार राज्य में बारिश की वापसी के साथ ही किसानों ने खरीफ फसलों की बुआई शुरू कर दी है। महाराष्ट्र सरकार के कृषि विभाग के सचिव एकनाथ दावले ने कहा कि हमने राज्य में किसानों को खरीफ की फसल नहीं बोने की सलाह दी है, क्योंकि 15 दिनों से बारिश नहीं हो रही है। हालांकि अब जबकि राज्य में बारिश का मौसम फिर से शुरू हो गया है, वे अपनी खरीफ फसलों की बुआई फिर से शुरू कर सकेंगे। पिछले 5 वर्षों की तुलना में राज्य में डागर की बुवाई में 30% की कमी आई है, यानी वर्तमान में केवल 2,50,000 हेक्टेयर धान की बुवाई हुई है, जो पहले 12,50,000 हेक्टेयर थी।